जय गुरुदेव। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आपको मालूम है कि इनको हम कहते हैं द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और सॉइल की भी। उन दोनों से ही इनकी हेल्प से इनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो पूरी होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में ही हम इनको देखते हैं। बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। इनकी बॉडी एल्गी के हिसाब से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन है अभी भी थैलस की तरह ही। बॉडी इनकी कुछ की प्रोस्टेट और कुछ की इरेक्ट शेप की होती है और ज़्यादातर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती है राइजॉइड्स की हेल्प से। इसका मतलब जमीन के साथ लगभग मिलकर ही ये चलते हैं। ये इसका हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़मीन से उठे हुए ये नहीं होते। इनके पास ट्रू वेस्कुलर बंडल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनके पास रूट, लीव, स्टेम ऐसे कोई पार्ट इनके पास असली में नहीं है। सिर्फ देखने में ये अपीयर होते हैं लाइक लीव्स। इनकी जो बॉडी है उसमें जो मेन स्टेज है वो हमारी गैमेटोफाइट है। जो सेक्स ऑर्गन है इनके ब्रायोफाइट्स के वो मल्टी सेलर हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम, जो प्रोड्यूस करते हैं बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट। जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है आर्चिगोनियम, जो फ्लास्क शेप है और जो एक आर्चिगोनियम के अंदर एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये जब रिलीज होते हैं तो ये वाटर में स्विम करके पहुँचते हैं टूवर्ड्स द आर्चिगोनियम, एंड देन दे रीचेज द आर्चिगोनियम, दे फ्यूज विद द एग एंड फाइनली प्रोड्यूस द जाइगोट। तब दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर इनकी स्टेज थोड़ी सी डिफरेंट है। जो जाइगोट है उसमें एकदम से मियोसिस की स्टेज नहीं आती, वो कुछ समय के लिए वैसे ही रहता है और बाद में इस पर स्पोरोजॉइट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर स्पोरोजॉइट की एक और स्पेशल फीचर है कि वो फ्री लिविंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा रहता है नरिशमेंट के लिए और उसके अंदर फिर फाइनली मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो रिलीज होकर अगेन गैमेटोफाइट स्टेज में पहुंचते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में से कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए फूड का काम करते हैं। कुछ ऐसे स्पिग्नम की स्पीशीज़ हैं जो एज अ पीट, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए इनमें से कुछ को पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं जब कोई मटेरियल को शिप में ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर है प्लांट सक्सेशन। अगर कहीं पर शुरुआत होगी जीवन की, बेयर रॉक्स हैं, खाली जगह है, खाली सॉइल है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे जीवन का या जो शुरुआत करेंगे आगे लाइफ का, वो हमेशा शुरुआत किसी मॉस से ही होगी, वो किसी ब्रायोफाइट से ही होगी, क्योंकि यही डिकम्पोज करेंगे उस सॉइल को या उस जो रॉक को और फाइनली उसमें लाइफ की शुरुआत करेंगे और तब वहाँ हायर प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है कि ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है, क्योंकि पूरे अपर की सरफेस जो है सॉइल की उसे ये कवर कर लेता है, तो एक तरह से सॉइल इरोजन रोकने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवॉर्ट कंपेरेटिवली लेस एडवांस हैं एज टू द मॉसेस। तो पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स में क्या क्या बेसिक क्वालिटी हैं, ये भी हमें ज़्यादातर सारे मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ही पाए जाएंगे, डैम सॉइल में या किसी पेड़ के तने पे या घने जंगलों के अंदर ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी थैलॉइड है, जैसे एग्जांपल मर्चेंटिया की। उसके अलावा ये जो इनकी जो बॉडी थैलस है वो कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल, इसका मतलब ज़मीन के साथ लगकर चलने वाले प्लांट्स हैं ये, और ये भी बहुत क्लोजली अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम को। इनमें जो लीफी मेम्ब्रेन है उनमें टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं टू रोज में ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टेम की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर है उस पर लीफ के जैसे हमें अपेंडेजेस दिखाई देते हैं। ये एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन या फिर गैमा कप्स। ये आपको डायग्राम में गैमा कप्स दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल प्लांट में ग्रो करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और जब ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाते हैं तो ये प्लांट से डिटैच होते हैं और डिटैच होने के बाद एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करने लगते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अगेन, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ये एक ही थैलस पे या अलग अलग थैलस पे भी हो सकते हैं। जो इनका स्पोरोफाइट है उसमें तीन
पार्ट्स हैं उसके, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ही बेसिकली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के बाद, और ये स्पोर डेवलप होते हैं एक नए गैमेटोफाइट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने थैलस, उसके अंदर ग्रो करने वाले गैमा कप जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया इसमें प्रोड्यूस होते हैं जो फाइनली गिव राइज करते हैं टू एग एंड टू द एंथ्रोजॉइड, जो मिलने पर फिर फाइनली जाइगोट बनाते हैं। लेकिन जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? स्पोरोजॉइड में, जो कुछ समय के लिए अटैच रहता है विद द प्लांट फॉर नरिशमेंट, और उसी के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्पोर्स आगे जाकर फिर अगेन एक गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिवरवॉर्ट इज मर्चेंटिया। हेयर इज अ टाइम लैप्स दैट विल शो यू हाउ अ मर्चेंटिया ग्रोज। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रायोफाइटस आर मॉसेस। मॉसेस के कुछ स्पेशल फीचर्स, इनकी जो प्री डोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की वो है एक गैमेटोफाइट, और इनकी लाइफ स्टेजेस में दो मेन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्रोटीनिमा स्टेज और सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज। जो प्रोटीनिमा स्टेज है उसमें बेसिकली ये सबस्ट्रेटम के साथ मिलकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। ये प्रोटीनिमा स्टेज स्पोर से निकलने वाली पहली स्टेज है, जो क्रीपिंग स्टेज है, जिसमें ज़मीन के साथ मिलकर चल रहे हैं, ग्रीन कलर के हैं और बहुत फिलामेंटस स्टेज है ये। द लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ। इसमें बहुत सारी लीव्स हमें इस स्टेज में देखने को मिलती हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। यहाँ पर राइजॉइड से ये ब्रांच हमें कहीं ना कहीं अटैच दिखती हैं सबस्ट्रेटम से, और इन्हीं के ऊपर सेक्स ऑर्गन भी आते हैं। वेजिटेटिवली अगेन दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय बडिंग, एंड सेक्सुअल अगेन इज बाय एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, सेम लाइक इन लिवरवॉर्ट। लेकिन यहाँ पर जो स्पोरोजॉइट है मॉसिस का, वो थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट है देन इन द लिवरवॉर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, अगेन सेम फीचर, एंड द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। आपने देखा कि लगभग दोनों में जो रिप्रोडक्शन है वो एक ही तरह से है। मॉसिस में थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट है रिप्रोडक्शन, इसमें जो स्पोर डिस्पर्जल है उसका भी मैकेनिज्म ज़्यादा एलोबरेट है, और कहीं ना कहीं जो इसमें जो स्पोरोफाइट की स्टेज है वो भी ज़्यादा एडवांस है। बाकी लगभग दोनों का रिप्रोडक्शन एक ही तरह का है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया, स्पेग्नमेन, पॉलीट्रिकम। Now we'll see the difference between the mosses and the liverwort. Liverwort are found in moist shady habitat, whereas the mosses are found in almost all region except of the ocean. That means कि ocean के अलावा हमें mosses हर जगह मिलते हैं, जबकि liverwort उतने ज़्यादा easily available नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है जो लिवर वोट्स की, वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, जबकि इसमें यहाँ पर दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोटीनिमा स्टेज, जिसमें सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होते, और दूसरा लीफी स्टेज, जिसमें बहुत सारी लीव्स हैं जो इरेक्ट भी हो सकती हैं, जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कि जो लिवर वोट हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमा कप्स प्रोड्यूस होते हैं जो मॉसेस में नहीं होते, जबकि यहाँ पर एसेक्सुअल होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग एंड बाय फ्रेगमेंटेशन। लेट्स नाउ सी अ वीडियो दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड better the life cycle of moss or funaria. Thank you.
I hope you understood the topic. If you like my video, please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Jai Gurudev. Good day.